हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज शाहिद भाई के सेटअप में आए हुए हैं, माशाल्लाह इनके पास काफ़ी अच्छी ब्रीड है। पिछले साल भी हम आए थे इनके पास रमज़ानों में, तो बहुत अच्छी ब्रीड थी। और इस साल भी इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं सेटअप में, वो भी शाहिद भाई से पूछेंगे। बाकी ये दोनों इनके भाई हैं, इनसे भी इंशाल्लाह पूछेंगे कि क्या क्या लगाए हुए हैं। तीनों भाइयों का सेटअप है मुश्तरका। ठीक है, चले शाहिद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? मालिक का करम है। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या आपने लगाए हुए हैं माशाल्लाह, और पिछले साल से इस साल क्या तब्दीली की है सेटअप में? अभी 30-40 पेयर और बढ़ाए हुए हमने। सही है, मॉडिसनों में बनाए हैं, पेल फेलो का स्पीड बनाए हैं। अच्छा, और पेल फेलो ऑफलाइन के वर्किंग में आगे गए हैं। एल्बिनो, रेड आई, ब्लैक आई और क्रिमिनो, डेकिनो, सारी वर्किंगों में अभी काम कर रहे हैं। रेड आ रही है सबकी? हाँ माशाल्लाह, सबों में बच्चे, अंडे बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, सही सही, ठीक है। तो ये भाई हैं आपके बड़े? ये बड़े भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक। मेरा नाम मोहम्मद अनीब बलोच। अच्छा, और हम तीनों भाई ने मिलके ये सेटअप लगाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो सेटअप कैसा चल रहा है? सही है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। कम से कम 80 पेयर हमने लगाए हैं तीनों भाई ने मिलके। अच्छा, पेल फेलो से लेकर सारी वैरायटी हमारे पास है। अच्छा, ये बताएं कि ये सेटअप जो आपने बनाया है जी, तो आप तीनों मतलब इसकी जो भी ब्रीड आती है, हाँ, तो बेच के तीनों में वो पैसे डिवाइड होते हैं? तीनों में डिवाइड होते हैं। आमदनी सही हो जाती है? माशाल्लाह बहुत अच्छी आमदनी है, कम से कम महीने के 1-2 लाख रुपये एक एक भाई के हिस्से में आ जाते हैं। अच्छा, वाकई में? वाकई में, सच्ची बात। लोग बोलेंगे तो बहुत बेहतरीन है, सब बंद करो यही लगाओ। हाँ ना। अच्छा, लगावे इसको सीखे, क्योंकि पहले हमने दूसरा माल डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था पहले? हमने फिशर डाला था, लोटिनो डाला था, लोकल माल चल रहे थे 2 साल से। ये वाला माल डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, 2 साल से कमर्शियल बर्ड आपने डाला? हाँ, कमर्शियल बर्ड डाला हुआ। सही सही। तो उसमें अच्छा मतलब सेटअप चल रहा है? अच्छा सेटअप चल रहा है। 80 पेयर है तकरीबन माशाल्लाह। सही, ठीक है। तो ये सीज़न पूरा कैसे गुजरा? ये सीज़न भी बेहतरीन गुजरा, बच्चे सही आए, बच्चे सही आए, ब्रीड वगैरह सब सही आई है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भाई। ये भी भाई है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम अत्तारी। सलीम अत्तारी जी। अच्छा, वो तीनों दोनों बलोच हैं, आप अत्तारी हैं? हाँ, अत्तारी भी हैं, बलोच भी हैं। तो आपने क्या 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 लगाया हुआ, आपके कौन से पेड़? हमारे भी ये सात ही हैं, डेकिनो है, किरमिनो है, रेड आइस है, ब्लैक आइस है। अच्छा, बाकी ऑफलाइन के हैं। सही जी। फेल फेलो है सारा माशाल्लाह माल हम तीनों भाइयों का है। अच्छा, और तीनों ने मिलके ये सेटअप डाला हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी आमदनी है, अच्छा कारोबार है। मैं दूसरे भाइयों को भी यही मशवरा दूंगा कि अगर उनके पास आमदनी अच्छी है तो ये चीज़ ज़रूर डालें। तो कम से स्टार्ट करें ना पहले, कम से? जी जी हाँ, यही है ना, पहले सीखना पड़ेगा। जी जी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एक दिन ऊपर आदमी बंदा। आप कितने साल हुए इसमें? तकरीबन हमको 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? जी जी। आहिस्ता आहिस्ता करके सेटअप बना। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा काम है। चले ओके, बस इंशाल्लाह आपको जो है वो इनकी ब्रीड वगैरह भी दिखाते हैं, और पट्टे वगैरह क्या हिसाब है वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। नंबर है शाहिद हसैन गुजराती बलोच, 03152079930। ओके व्यूअर्स, ये आप देखें माशाल्लाह ये सारे पेयर लगे हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस वगैरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइन से तकरीबन 80 पेयर्स हैं, और यहाँ पे जो है कुछ फोस्टरिंग वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं, ये आप देखें। और एयर कूलर वगैरह का हर चीज़ का इंतज़ाम है। ठीक है, सारी चीज़ें। पिछले साल इनके पास ये सिस्टम नहीं था, सोलर सिस्टम, और ये सारा इन्होंने गर्मी की फुल तैयारी करके रखी है भाई दफ़ा। ठीक है माशाल्लाह जी। शाहिद भाई, सबसे पहले कौन सा पेयर दिखाएंगे आप? चलिए जी, सबसे पहले कौन सा पेयर दिखाएंगे सर? ग्रीन ऑफलाइन का नर है, यूविंग और वायलेट ऑफलाइन की माला है। दिखाइए। हाँ, इसमें अंडे रखे हुए हैं और बच्चे इसके पोस्टर करे हैं दूसरी जगह। ये ग्रीन ऑफलाइन है और यूविंग और ब्लू ऑफलाइन, वायलेट ऑफलाइन, वायलेट ऑफलाइन। इसमें अंडे भी दिए और दूसरे में बच्चे इसके निकल गए हैं, पोस्टर किए हैं आपने? पोस्टर किए हैं बच्चे के पास। अच्छा, ये उसी पेयर के बच्चे हैं माशाल्लाह, तीन बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। तो ये क्या कौन पाल रहा है? ये वायलेट पथराना पाल रहा है। अच्छा, फोस्टर किया है? फोस्टर करें। सही, ठीक जी भाई। ये एल्बिनो रेड आई है, इसमें दो बच्चे एल्बिनो रेड आई के और एक ग्रीन ऑफलाइन का भी पट्टा डाला हुआ है। अच्छा, मादा पोस्टर कर रही है। सही सही।
मादा बच्चे पाल लिए अकेले। अच्छा अकेले पाल लिए। इसमें यह अकेली मादा बच्चे पाल लिए, दो पेल फेलो, एक वायलेट पेल फेलो, एक पार ब्लू पेल फेलो। सही। तो ये बच्चा क्या है, हिसाब किताब है इसका? इसका एक बच्चा आपको डीएनए के साथ 70,000 का पड़ेगा, वायलेट लो या पार ब्लू लो थोड़ा। अच्छा 70,000 का। हाँ कुछ गुंजाइश वगैरह है इसमें? कर देंगे थोड़ी बहुत। अच्छा ये कौन सा पेयर है? ये डेकिनो का मेल है और वायलेट उस वायलेट पार ब्लू फीमेल है। इनो पार ब्लू स्प्लिट इनो है या नहीं? सिंपल है स्प्लिट इनो है। इसके भी बच्चे कहीं पोस्टर करे में। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये डेकिनो का मेल है, इसमें क्या क्या निकलता है, बच्चों में क्या निकलता है? इसमें किरमिनो आता है, डेकिनो आता है और बाकी एल्बिनो रेडा है और पार ब्लू आता है। अच्छा ब्लूटूथ की वर्किंग का ये। तो इसमें से जो बच्चे आए अल्बिनो वगैरह, वो उसमें आपने चेक किए, टेस्ट किए ब्लूटूथ में? नहीं फिशरी में चेक करे मैं, इसमें ब्लूटूथ एक आया है। आया? हाँ एक ब्लूटूथ आया। जी सर ये कौन सा पेयर है? ये पेल पेलो का है, जिसमें बच्चे पोस्टर करे हुए फिर इसने अंडे रखे हुए। बाहर आ गए। अच्छा दोनों विजुअल लगाए हुए हैं आपने? विजुअल वो बच्चे जो दिखाए थे वो भी इसी के। तीन बच्चे हैं इसके, दो इसमें एक और बॉक्स में। तो बच्चों में कोई मोर्टिलिटी वगैरह तो नहीं हो रही? आती है लेकिन बहुत कम आती है। अच्छा कभी तीन चार बच्चे आ जाते हैं, कभी एक आता है, कभी दो आते हैं, इस तरीके से। पेयर है इसमें बच्चे, मैंने किरमिनो भी डाले हुए हैं, इसके खुद के भी बच्चे हैं, एल्बिनो रडाई ऑफलाइन के बच्चे भी हैं। कितने बच्चे दिए हुए हैं इसको? इसको छः बच्चे बलवा लो। अच्छा एक किरमिनो है, सही है, और एक एल्बिनो रेडा है, एक एल्बिनो ब्लैक है, और तीन ऑफलाइन का। सही। तो ये माशाल्लाह सारे बच्चे सही पाल रहे हैं, फिट सही पाल रहे हैं माशाल्लाह। देखो ग्रोथ ग्रोथ बिल्कुल सही आ रही है, सब फिट है, अच्छी करवाई है। दोनों अल्बिनो ब्लैक आई है? ब्लैक आई है। हाँ सही। पार ब्लू क्या है? पार ब्लू इनो है। अच्छा स्प्लिट इनो। हाँ एल्बिनो रेडा है और पार ब्लू इनो लगा हुआ है, इसने अंडे रखे हुए। सही। पहले बच्चे इसके पोस्टर करे हुए मैंने। ठीक। एक सीज़न में कितने कलर्स लेते हो आप? मैं 6-7। 6-7? हाँ। अरे नहीं यार। हाँ पोस्टर कर कर के। पोस्टर कर कर के। तो कोई उसमें कोई फीमेल वीक वगैरह नहीं? नहीं 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 होती। बस विटामिन कैल्शियम आप इसको पिलाते रहो, सही चलती है। सही। क्या विटामिन कैल्शियम? विटामिन कैल्शियम विटासोल है, दो तीन और विटामिन है मेरे पास पड़ी हुई है। चलिए मैं लिखी है, लिखा दे रहा है। सही है। और क्या है? पहले स्पीड के भी बच्चे रखे हैं और खुद के भी बच्चे हैं इसमें। अच्छा अल्बिनो ब्लैक आई है? हाँ और दूसरे पेल पेलो स्पीड के भी बच्चे रखे हुए इसमें। अच्छा सही। खुद के भी बच्चे हैं। सही माशाल्लाह। ये फीमेल अकेली है? नहीं नहीं पूरा पेयर पाल रहा है। अच्छा अल्बिनो रेडाई के तीन बच्चे हैं? अल्बिनो रेडाई की मादा है, तीन बच्चे पाल लिए अभी, एक पार बिलो ऑफलाइन है और दो पसनाड़ा के बच्चे पाल लिए। ओहो ये आ गया बच्चा ऑफलाइन। अल्बिनो रेडा एक ब्लैक का इनो है और दो ग्रीन ऑफलाइन यू में। हाँ अल्बिनो रेडा क्या हिसाब दे रहे हैं आप? अल्बिनो रेडा डीएनए के साथ ये पड़ेगा 28,000 का। 28,000 का पेयर बच्चों का? हाँ। और ये ग्रीन ऑफलाइन? ग्रीन ऑफलाइन आपको ये पड़ जाएगा 28,000 का पेयर मिल जाएगा डीएनए के साथ। अच्छा 28,000 का पेयर पट होगा। तो ये अंडे दिए हैं इसने, अंडे भी फटाई लें। रेड आई और ब्लैक आई? ब्लैक आई। ब्लैक आई स्प्लिट है? हाँ स्प्लिट इनो है दोनों। नहीं नहीं एक तो रेड आई है ना? हाँ एक रेड आई है, एक स्पीड इनो है, एक दोनों बच्चे रेड आई ब्लैक आई दोनों आते हैं इसमें। ग्रीन ऑफलाइन यू विंग। हाँ इसके बच्चे हैं। हाँ पोस्टर करे हुए तीनों उसी के बच्चे ग्रीन ऑफलाइन। सही।
एल्बिनो ब्लैक है, रेड आएगा ना रहे। इसमें बच्चे पोस्टर करे हुए, एक क्रिमिनो है, एक पेस्टलिनो और एक इसी का बच्चा। अच्छा, एक क्रिमिनो है और एक पेस्टल है, पेस्टलिनो और एक इसका बच्चा है, लोग जैसा लोटिनो पसनाटा है। हाँ, यूविंग अच्छा, और पेल फेलो ब्लू की मादा, ब्लू पेल फेलो की मादा है, और पेल फेलो ऑफलाइन का नर है। हाँ, या स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो का नर है। नहीं नहीं, सादा ब्लू है, इसमें बच्चे ऑफलाइन की वर्किंग में लेके जा रहा हूँ, तो इसके लिए बनाया इसकी। ये जो पार ब्लू है, ये तो पेल फेलो नहीं है ना, ये स्प्लिट पेल फेलो है। स्प्लिट पेल फेलो, पार ब्लू ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो इनटू ब्लू पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो। ये इसके बच्चे आए हैं, दोनों ब्लैक आई है, रेड आई नहीं आए कोई। हाँ, ये ब्लैक आई जो होंगे ना, ये स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो होंगे। पार ब्लू है, पार ब्लू और क्रिमिनो। हाँ, और एक एल्बिनो ब्लैक आएगा। क्रिमिनो का बच्चा क्या हिसाब दे रहे हैं? क्रिमिनो का पड़ेगा आपको 39,000 का डीएनए के साथ। 39, वो करो ना राउंड फिगर, 38 कर देंगे। हाँ, 39 वो ज़रा 21 है ना, वो मज़ा नहीं कर रहा, ऑड नंबर है। रेडाई के भी बच्चे हैं, ग्रीन ऑफलाइन के भी हैं। कोने पे आएगा, बड़े हैं ना ये, उड़ेंगे भी सारे। सही, क्या है ये? एल्बिनो रेड आई है, एल्बिनो रेड आई है, एल्बिनो ब्लैक आई है, और एक वो ग्रीन ऑफलाइन हुई। अच्छा, ये पार ब्लू टू पार ब्लू का पेयर है? इनो, दोनों इनो, दोनों स्प्लिट इनो है। हाँ ठीक है, ब्लूटूथ की वर्किंग है। हाँ, ब्लूटूथ की वर्किंग। इसमें क्या रिजल्ट आया आपके पास? ये फर्स्ट ब्रीड है, फर्स्ट ब्रीड की मादा है, तो इससे बड़ा ना रब लगा, फर्स्ट ब्रीड करी है इसमें, बाहर ही बैठे हैं सारे। अच्छा, ये यहाँ पे ज़्यादातर क्या एल्बिनो लगाए हुए? हाँ, एल्बिनो रेड है, एल्बिनो ब्लैक है, ये सब अंडे भी रखे हुए तकरीबन उन्होंने। सही, अंडे रखे ऐसे ना, मतलब बच्चे वगैरह मिल जाएंगे इनके? हाँ, इनके भी मिल जाएंगे, एल्बिनो ब्लैक आई के भी मिल जाएंगे, रेड आई के मिल जाएंगे, ग्रीन ऑफलाइन चाहिए वो मिल जाएंगे डीएनए के साथ। बच्चे डालेंगे मैंने पोस्टर पे रहे। हाँ, इसमें क्या है? इसमें तो ब्लैक आई के बच्चे हैं। हाँ, और एक ये ऑफलाइन का बच्चा है, ब्लैक आई और ऑफलाइन। हाँ, एक ब्लैक मूव ऑफलाइन है यूविंग, वो तो ब्लैक आई गए, एल्बिनो ब्लैक आई है, एल्बिनो ब्लैक आई बच्चे पाल रहे पसनाड़ा। सही, ब्लू पसनाटा बच्चे पाल रहे हैं। सही पालता है ब्लू पसनाटा बच्चे? हाँ, भी पालता है। अच्छा, ये कौन सा पेयर है? एल्बिनो रेड आई का नर है और ब्लैक आई की मादा है। इसमें दो ब्लैक आई है, एक रेड आई है। दो ब्लैक आई है, एक रेड आई है। रेड आई कौन है बता रहा बच्चे? नहीं, बच्चे हैं ये एल्बिनो ब्लैक आई के। हाँ, तीन बच्चे ब्लैक आई के, एक ऑफलाइन का बच्चा डाला हुआ है इसमें। ये आपको याद कैसे रहता है किसमें कौन सा बच्चा डाला हुआ है? लिखते हैं आप? नहीं, लिखता नहीं हूँ, ऐसे एक अंदाज़ा होता है कि इसमें ये बच्चे डाले हुए। अच्छा। हाँ, बड़ा तेज दिमाग है आपको। अरे, वायलेट ऑफलाइन की मादा और ब्लैक आई का नर। अरे, ये कौन सा ब्लैक आई? एल्बिनो ब्लैक आई। हाँ, इसमें बच्चे रखे हुए हैं, ये ग्रीन ऑफलाइन यूविंग के बच्चे हैं, तीन बच्चे आए हुए हैं। इसे पोस्टिंग करवा रहे हैं आप? इससे पोस्टिंग करवा रहा हूँ। सही, ये ब्लू फिशरी। हाँ, इसमें मैंने अंडे पोस्टर करे हुए हैं, ब्लू टू की वर्क, ब्लू टू है ना जो मेरे पास फिशरी, इसके बच्चे हैं। इसमें तकरीबन क्रिमिनो और पार ब्लू ही आते हैं सारे बच्चे, एक रेड आया, एक ब्लैक आया, जितने भी आते हैं 5-6 पार ब्लू और क्रिमिनो, इसके अलावा कोई बच्चे नहीं आते। अच्छा, जो ब्लू टू का किया हुआ है आपने? हाँ, ब्लू टू का फिशरी लगाया हुआ। सही है, ये एक रेड आई बच्चा है और एक ब्लैक आई है, एक ब्लैक आई अभी है। चार अंडे और फटाए। अच्छा, मतलब ये है कि जो रेड आई होगा वो क्रिमिनो होगा और जो ब्लैक आई होगा वो पार ब्लू होगा। पार ब्लू होगा। सही है, माँ बाप क्या है इनके?
इसके माँ बाप में दिखा रहा, ये बच्चे पाल रहा है, माँ बाप दिखा रहे। सही, माँ बाप आपको दिखाते हैं, पोस्टर करें और फिर इसने अंडे रखते हैं। अच्छा, ये है मतलब ये ब्लू है, ब्लू टू, इसमें कौन सा ब्लू वाला है? हाँ, ये ब्लू, ब्लू फिशरी बैठी हुई है ना जो, ये ब्लू। सही, शक्ल देखो, शक्ल थी। हाँ, और देखो और काम देखो, माशाल्लाह। ब्लूटूथ का ये कमाल होता है, सारे क्रीम अंडे रख दिए अल्बाइनो से लगाया ना, ये अच्छा है कि जितने भी ब्लैक आई बच्चे होंगे ना, सारे स्प्लिटिनो होंगे। तो पार ब्लू निकलेगा वो भी आपका स्प्लिटिनो होगा, और क्रीमिनो तो है ही क्रीमिनो। क्रीमिनो अभी बच्चे पोस्टर करें फिर अंडे रख दिए, माशाल्लाह। पहला अंडा रख, छः सात दिन आ ही जाएगी फिर। ये भेजोगे ब्लूटूथ? नहीं, इसके तक भाई 50,000 दूँ? पचास नहीं, 2,00,000 में भी महंगा है। अबे नहीं करो यार। अच्छा, ये कौन सा है भाई? ये एल्बिनो रेड आई का नर है और एल्बिनो ब्लैक आई का मादा है, इसमें भी तीन बच्चे आए हुए हैं। सही, सही। ये कौन से बच्चे? ये तीनों ब्लैक आए हैं, इसमें ट्रेनर। ये एल्बिनो रेड आई और ब्लैक आई की मादा है, इसने भी अभी अंडे रखे हुए हैं। सही, आपके पास ये एल्बिनो ब्लैक आई और रेड आई के कितने पेयर लगे हुए हैं? मेरे पास तकरीबन 30 से 35 पेयर लगे हुए हैं। 30 से 35 पेयर, बाकी मॉडिशन है क्रिमिनो डेकिनो, तकरीबन ये पेयर ज़्यादा लगे हुए हैं, वो पोस्टिंग के अलग अलग हैं। ये ऑफलाइन का पेयर है, फिशरियों के बच्चे पाल रहा है। कौन सा ऑफलाइन है? रोजी कोली ऑफलाइन है। अच्छा, ये कौन सा है? ये जो फिशरी में बच्चे बताए उसके बच्चे इसमें करें और दूसरे के बच्चे ये भी पोस्टिंग करें हैं इसमें बच्चे। अच्छा, रोजी कोली ऑफलाइन पोस्टिंग करें हैं। अच्छा, रोजी कोली का पेयर है, फेल फेलो करा हुआ है, एक एल्बिनो रेडाई करा हुआ है और डेकिनो पेस्टल इनो करा हुआ है। ये क्या पेल फेलो है? बिलो पेल फेलो, जो माँ बाप बताए थे ना, दो बच्चे पहले और उसी का तीसरा बच्चा ये। अच्छा, ये क्या पेस्टल इनो है, ये चाहिए ये मिल जाएगा आपको। ये कितने का? ये 28,000 का पड़ेगा आपको डीएनए के साथ। 28,000? हाँ। गुंजाइश क्या इसमें? कर देंगे कुछ गुंजाइश, सेवल का बच्चा है इसमें। ये अच्छा, पार ब्लू अंडे में एल्बिनो ब्लैक आई है, बच्चे बाहर आ गए सारे। ये कौन से पार ब्लू है? एक पार ब्लू इनो है, एक पेस्टल इनो है, एक फिशरी जूविंग है इनो, और एक एल्बिनो ब्लैक आई है। सही, ये रोजी कोली ऑफलाइन पार ले बच्चे। पार ब्लू स्प्लिट इनो कितने का दे रहे हैं? पार ब्लू स्प्लिट इनो 30,000 का डीएनए के साथ। 30,000 पर पीस? हाँ, नहीं नहीं, पेयर 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 30,000 का डीएनए करवा के दूंगा। पेस्टलिनो का? पेस्टलिनो का 28,000 पेयर। हाँ, नहीं नहीं, पेयर नहीं, एक पीस। तो या तो पेयर बताओ या पीस बताओ ना। पेयर आपको पड़ेगा 55,000 का पड़ेगा। अच्छा, पेस्टल का? पेस्टलिनो का। अच्छा, इसमें ये कौन कौन से बच्चे हैं? इसमें कि ये ब्लू ऑफलाइन, ये पेस्टल उसका पेल फेलो स्पीड इनो है। ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो? हाँ, इनो पेल फेलो का स्पीड है इनो। स्प्लिट पेल फेलो है? हाँ, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, पेलो का स्पीड है। ठीक है, और तीन कितने का है? ये आपको एक पीस पड़ेगा 25,000 का स्पीड। सही है, और क्या है? और ग्रीन ऑफलाइन चाहिए, ग्रीन ऑफलाइन 28,000 का डीएनए के साथ मिल जाएगा पेयर। पेयर, हाँ। और पार्ट ब्लू ऑफलाइन जूविंग चाहिए, वो आपको मिल जाएगा 30,000 का पेयर। अच्छा, सही, 30,000 का पेयर पार्ट ब्लू ऑफलाइन जूविंग। पार्ट ब्लू पार्ट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है पार्लो। ये क्या हिसाब है? ये भी वही रेट पड़ेगा, मतलब 25? हाँ, 25 का एक पीस पड़ेगा स्प्लिट इनो पेल फेलो। अच्छा, डीएनए के साथ? डीएनए के साथ, इसमें डीएनए करवाने की जरूरत नहीं होती, जो ऑफलाइन आएंगे वो सारी मादी होगी, जो फिशरी और जो पार ब्लू आएगा वो सारे नर होते हैं। अच्छा, कौन सा पेयर है? ब्लू पसनाड़ा। कौन है? इसमें एक एल्बिनो रेड है, दो ग्रीन ऑफलाइन जो विंग है। अच्छा,
अल्बिनो रेडाई और डेगिनो की मादा। हाँ अंडे दिए हुए थे, चार अंडे, चार अंडे पट्टा। डेगिनो कितने का दे रहे हैं आप पट्टा? डेगिनो 32,000। 32,000 एक पीस देने के साथ, एक पीस 32 का पड़ेगा। और क्रीमिनो 38 का? 38 का पड़ेगा। अल्बिनो ब्लैक आई है तो फिर अंडे रख दिए। ये पोस्टिंग के लिए आपने? पोस्टिंग के लिए, खुद के बच्चे भी पालता है और दूसरे कोई बच्चे पाल लेता। वायलेट फिशरी और यूविंग फिशरी ये ना। अच्छा, ये किसके बच्चे पालना? ये पेस्टरिनो का नर है और एल्बिनो रेड आएगा, इसके बच्चे ये पालना। इसमें एक रेड आया है, एक ब्लैक आया है। रेड आई है। हाँ, ये ज़्यादातर ये क्रीमिनो होगा या एल्बिनो होगा। एल्बिनो होगा ये एल्बिनो ब्लैक आई। ये सादे ब्लैक आई है या? नहीं नहीं, स्पीड इनो है। कितने है ये स्पीड इनो का पट्टा कितने का है? ये पड़ेगा 15,000 का पड़ेगा डीएनए के साथ। 15,000 का पेयर ये। और जो दो ब्लू फिशरी इनो है ना, वो पेल फेलो इनो है, स्पीड सही पेल फेलो पे स्पीड इनो है दोनों फिशरी है। वो कितने का? वही पड़ेंगे, ये पड़ेंगे 40 के पड़ेंगे आपको। ये ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो और पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलो। हाँ एक सेवल है, एक एल्बिनो रेड आई है, एक पेस्टल इनो है। एक पेस्टल है और एक एल्बिनो रेड आई है और एक जो है वो पार ब्लू स्प्लिट इनो है। दो, हाँ दो पार ब्लू स्प्लिट इनो है, एक पेस्टल इनो, एक एल्बिनो रेड आई है और एक पेस्टल ही है, पेस्टल इनो है। इनके माँ बाप क्या है? इसके वो जो ब्लू टू की बताई थी ना, उसी के ये पार ब्लू दो बच्चे हैं। अच्छा, मादा है और दो एल्बिनो रेड आई के बच्चे खुद ही गए और दो दूसरे पोस्टर कर रहे हैं। ये ग्रीन ओपलाइन पट्टे कितने महीने के? ये 5 महीने के पट्टे हैं, डीएनए करे हुए हैं। ये आपको पेयर पड़ेगा 28,000 का। अच्छा, 28,000 का पेयर है। हाँ सही। और कौन से पट्टे? नीचे एल्बिनो रेड आई और एल्बिनो ब्लैक आई है। अच्छा, एल्बिनो रेड आई क्या हिसाब है? एल्बिनो रेड आई 28,000 के पड़ेंगे। डीएनए हुआ हुआ है? हाँ डीएनए हुआ हुआ है। और ब्लैक आई भी है इसमें? हाँ ब्लैक आई भी है। कितने हैं ब्लैक आई? ब्लैक आई के दो हैं। कितने के हैं ये? पड़ेंगे 15,000 के। वो भी सही है, मतलब स्प्लिट है। हाँ स्प्लिट है ना। और दो ग्रीन ऑफलाइन यूविंग है, ऑफलाइन है दो, और बाकी नोटिनो बसनाड़ा है और ब्लैक आई भी है इसमें, रेड आई भी है। नोटिनो बसनाड़ा क्या हिसाब है? नोटिनो बसनाड़ा ये 7,000 का ब्लैक आई का मिलेगा और रेड आई का 12,000 का मिलेगा डीएनए सब है। सही। उधर बैठे हैं भाई ये कौन से? एल्बिनो रेड आई है, ब्लैक आई है, पार ब्लू है और फिशरी है। पार ब्लू ऑफलाइन यूविंग। हाँ एक ग्रीन ऑफलाइन यूविंग है, पार ब्लू ऑफलाइन किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, 30,000 का पेयर मिल जाएगा डीएनए के साथ, और ग्रीन ऑफलाइन चाहिए तो 28,000 का मिल जाएगा। सही। अच्छा क्या क्या है इसमें? इसमें दो ऑफलाइन है, एक ब्लू ऑफलाइन है, एक वायलेट ऑफलाइन है, दो फिशरियाँ हैं इसमें, एक पेस्टल इनो है, एक पार ब्लू है, एल्बिनो ब्लैक आई है, एल्बिनो रेड आई है, ग्रीन ऑफलाइन है। अच्छा तो ये पैसे क्या हैं इनके? पैसे ये जो बताए ये करके बताओ, पार ब्लू के आपके ये पार ब्लू ये आपको वही पड़ेगा 30,000 का पेयर पड़ेगा, पेस्टल इनो आपको एक पीस पड़ेगा ये 28,000 का पड़ेगा, और फिशरियाँ पड़ेगी आपको 16,000 इनो, और ब्लू ऑफलाइन जो ब्लू ऑफलाइन ब्लू के इसके आपको पड़ेगा तो 35,000 का पेयर पड़ेगा, और ब्लैक आई स्पीड इनो ये आपको 15,000 का पेयर पड़ेगा, एल्बिनो रेड आई 28,000 का पेयर पड़ेगा, डीएनए के साथ मिल जाएगा आपको। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है, किसी भाई को अगर पट्टे वगैरह चाहिए हो तो आप शायद भाई से रब्ता कर सकते हैं, पैसों में कमी पेशी हो जाएगी भाई? हाँ गुंजाइश कर देंगे, गुंजाइश हो जाएगी। अच्छा तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है आपका बताएँ? कॉन्टैक्ट नंबर ये कार्ड में कॉन्टैक्ट नंबर है शाहिद हसैन गुजराती बलोच 031520
7993 कार्ड दिखा दे, ये कार्ड भी देख लें भाई। गुजरातियों में ही होते हैं बलोच? अच्छा, इंडिया वाले हैं ना? इंडिया वाले, इंडिया के बलोच गुजराती जवान नहीं करते, इंडिया से आए हैं। हाँ बस ठीक है, तो लोकेशन बताएं शायद भाई। लोकेशन मेरी है न्यू कराची नाला स्टाफ। लोकेशन न्यू कराची नाला स्टाफ, हाँ 11D है। अच्छा, इधर कोई भी नाला स्टाफ पे आ जाए कुबा मस्जिद के साथ। तो ओके मेरे दिन, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सेलिब्रिटी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आप लोग वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सी अमान अल्लाह।